शिमला के फांगली स्थित संस्कृत कॉलेज में रह रहे कृष्णानगर के आपदा प्रभावितों ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर जमकर प्रहार किया है। प्रभावितों का कहना है कि आपदा को बीते करीब 15 दिन हो चुके हैं, बावजूद इसके सरकार की सुस्त कार्यप्रणाली के चलते हम यहां सभी मूलभूत सुविधाओं से जीने को मजबूर हैं। यहां मूलभूत सुविधाएं ना होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम हरभजन है और हम यहाँ 15 दिन से रह रहे हैं और हमारे अब बच्चों के साथ थोड़ा परेशानी आने लगी है और हमारे को समस्या है कि हमारे में ना तो लाइट है, ना पानी है, ना रास्ता है जी, और इस वजह से हम परेशान हो चुके हैं जी। क्या मांग कर रहे हैं? हम प्रशासन से ही मांग करते हैं कि हमारा बिजली पानी का हो जाए और हम अपने अपने घर जाएं। क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे जी कि हमारे सब ठीक हो जाता। तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि पेड़ पूड़ है, रास्ता नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है। कितने दिन हो गए आज? आज तो 15-16 दिन हो गए जी। संस्कृत कॉलेज में सोरे माँ भी पड़े पड़े परेशान हो गए। हम तो ना आगे काम पे जा सकते, ना कहीं जानते भी। घर में आना चाहते हैं, कोई आके भी क्या करेंगे, ना पानी ना बिजली। बहुत परेशान हो गए हम जी। क्या डिमांड करते हैं? हम डिमांड है कि जल्दी से जल्दी हमारा काम हो जाए जी, ताकि हम अपने घर में आ सके, अपने काम धंधे पे जा सके। मेरा नाम कमलेश है, कमलेश देवी, और हम 15 दिन से यहाँ रह रहे हैं जी। तो क्या कहते, अब हमारे को बच्चों के साथ थोड़ी परेशानी लगी होने घर में, ना हमारे पानी है, ना लाइट है, कुछ नहीं है, और रास्ता हमारा बिल्कुल बंद है, रास्ता भी नहीं है हमारा। तो हमारी लाइट पानी हो जाए तो हम अपने घर चले जाएँ। हम बहुत परेशान हो रहे हैं सर, यहाँ बैठे हैं, बच्चे स्कूल ते भी रह रहे हैं, और हम इतने दिन से अपना कोई कपड़ा लीड़ा भी नहीं घर से काट के ले आ सकते, नहाने नहीं जा सकते, परेशान हो रहे हैं हम। पानी बिजली ते और रास्ता भी नहीं आएगा। जल्दी से जल्दी सर हमारे पानी का, बिजली का, रास्ते का हो जाए तो हम अपने घर। मेरा नाम लखविंदर है, मैं यहाँ फागली में रहता हूँ। हमारे यहाँ पे पिछले 14 अगस्त को जो स्लाइड आया उसके दौरान काफ़ी हानि हुई है। यहाँ पे जान मान पान जाने भी गई हैं और उसके 15-16 दिन हो गए हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं आया। देखो हाल देख सकते हैं, बिजली के सारे खंभे, पानी की पाइपें सब टूटी हुई है, हाल बेहाल है, सब आ नहीं पा रहे हैं अपने घर में। प्रशासन ने 15 दिन से इस विषय में कुछ सोचा ही नहीं है। पेड़ देखो, पेड़ भी नहीं कटे हैं अभी तक, तो हम कैसे करें? मतलब बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है हमारा। हमारी यही गुजारिश है, अगर ये लाइट पानी आ जाए तो हम अपने घर तो जाएं। अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी हम संस्कृत कॉलेज में रह रहे हैं पिछले 15 दिनों से। तो क्या आप घर आना चाहते हैं? सिर्फ लाइट आना चाहते हैं जी घर। समस्या सिर्फ लाइट और पानी की? समस्या लाइट पानी की है, बाकी हमारा इधर तो सेफ बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, मगर लाइट पानी आ जाएगी तो हम अपने घर आ जाएंगे। प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से यही चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई की जाए, हमारी लाइट पानी जोड़ दी जाए। बहुत से हमारे 9-10 परिवार है इधर, जो मतलब इस टाइम वहीं पे हैं, संस्कृत कॉलेज में रह रहे हैं। हम फागली संस्कृत कॉलेज के पास रहते हैं। हमारी यही यह है बात कि हमारे पेड़ काट दिए जाएं और हमारा पानी बिजली सब कुछ बंद पड़ा है। पेड़ों के लिए हम कल भी गए थे और उन्होंने अभी तक कोई भी बात नहीं की हमसे, ना ये बोला हम आएंगे काटेंगे। यहाँ पे भी जो कोई भी आता है मुँह हिला के चले जाते हैं। अब जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं, ये हम सामने बोल रहे हैं, सब कुछ देखती बात है। ये हमारा पेड़ भी देखो ऐसे ही खड़े हैं, जो काटे थे वो भी ऐसे ही पड़े, जो गिरे थे वो भी नहीं काटे अभी तक। कि हमारे घरों के रास्ते भी बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, हम अपने घर के अंदर भी नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए हमारी यही प्रशासन से कहने की बात है कि हमारा पेड़ काट दिए जाएँ, हमारे रास्ते खोल दिए जाए, जो पेड़ गिर चुके हैं उनको काट दिया जाए कि जिससे हमारा रास्ता खुल जाए, हम अपने घर में जा सकें। बस मेरी प्रशासन से यही बात है, और पेड़ों की ज़्यादातर कि हमारे पेड़ काटो आप आकर। हम रोज़ रोज़ किसी को नहीं बोल सकते हैं, कुछ लोग अपने घरों में आ चुके हैं क्योंकि वो भी मजबूरी के मारे आ गए हैं, कि वहाँ पे हमारा कुछ संभव नहीं हो रहा है, कोई भी बात नहीं सुनी जा रही है। इसलिए एक दिन फिर हम भी अपने घर में आ जाएंगे, जो होगा देखी जाएगी, पेड़ गिरे जो मर्जी है। फिर तो सरकार आके फोटो खींचती है और फिर कहती है ये हो गया वो हो गया, फिर तो इनको 2 दिन में हाय दुहाई बचा देते हैं, और अब जीते जी हमारे को देखने कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।